हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार, सोम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 भूचुंबकत्व स्टार्ट होने वाला है। इस चैप्टर में हमको जो भी चीज़ें पढ़नी है वो पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में पढ़नी है, यानी पृथ्वी भी हमारा एक चुंबक के तरीके से व्यवहार करता है। कुछ ऐसी बातें हमको देखने को मिलती हैं जिन बातों से हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी जो है पूरी तरीके से एक बड़ा सा मैग्नेट है। तो इन बातों की पुष्टि या इस बात से हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि पृथ्वी हमारी चुंबक है या नहीं है, ये पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पूरा चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में अंतर्गत बताएंगे, ठीक है? ठीक है, तो अब हम सीधे आते हैं टॉपिक पर। हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पूरी तरीके से एक चुंबक की तरीके से व्यवहार करती है, या कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस बात को हम क्लियर कैसे कर रहे हैं, देखो इस बात को हम 3 पॉइंट से क्लियर करते हैं, या 3 बातें ऐसी है जो ये स्पष्ट करती हैं कि पृथ्वी जो है हमारी एक चुंबक की तरीके से व्यवहार करती है। पहला तो ये है कि अगर कोई भी किसी भी चुंबक को हम स्वतंत्रतापूर्वक किसी ऐठन रहित धागे से बांधकर लटकाते हैं तो वो सदियों और सदियों क्या करता, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक है? कौन? चुंबक। अगर किसी भी दंड चुंबक को हम स्वतंत्रतापूर्वक ऐठन रहित रस्सी से बांधकर लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, ठीक है? लेकिन जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है वो भौगोलिक दक्षिण की तरफ होता है, ठीक है? जो चुंबक का, जैसे ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है तो ये भौगोलिक, ये हमारा भौगोलिक दक्षिण ध्रुव है। क्या है? भौगोलिक दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ठीक है? और जो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है S, ये भौगोलिक उत्तर दिशा में होता है, भौगोलिक उत्तर दिशा, ठीक है? क्या कह सकते हो, भौगोलिक उत्तर ध्रुव। ये हमारा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, और ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, ठीक है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ठीक है? और कुछ बातें, जो हमारा भौगोलिक अक्ष है भाई, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। जो हमारा भौगोलिक अक्ष है, ये भौगोलिक अक्ष चुंबकीय अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? 11.4 अंश का, 11.4 अंश का कोण बनाता है, या कह सकते हैं 11.5 भी किसी किसी बुक में लिखा मिलता है, लेकिन नॉर्मली हम यही बोलते हैं कि 11.5 अंश का कोण बनाता है, ठीक है? पहली बात थी हुई। दूसरी बात पर आते हैं कि पृथ्वी में अगर कोई हम लोहे का टुकड़ा गाड़ देते हैं, ठीक है, पृथ्वी में अगर हम क्या करें, कोई भी लोहे का टुकड़ा गाड़ दें और उसको कुछ दिनों बाद, यानी कब, कुछ समय के बाद अगर हम निकालते हैं, ठीक है, और उस लोहे के टुकड़े को फिर वही चुंबक, दंड चुंबक की तरीके से किसी ऐठन रहित रस्सी से अगर बांध कर लटकाया जाए तो वो भी हमारा क्या होगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दिशा में ही ठहरता है, यानी उसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है। तो भाई ये बात थोड़ी सी सोचने वाली है कि लोहे का टुकड़ा था, उसको हमने जमीन में गाड़ा और वो भी जो बिल्कुल चुंबक की तरीके से बिहेव करने लगी, तो उसमें चुंबकीय गुण आया कैसे, उसमें चुंबकीय गुण आया कैसे, यानी कहने का मतलब वो चुंबक के संपर्क में रहा होगा तभी वो उसमें चुंबकीय गुण आया होगा। अब चुंबक के संपर्क में आया कैसे भाई, उसको तो हमने पृथ्वी में गाड़ा था तो पृथ्वी के ही संपर्क में है, यानी पृथ्वी में ही चुंबक का गुण रहा होगा इसीलिए उसमें चुंबकत्व का गुण आया है, ठीक है? तो इस बात से ये क्लियर होता है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है उदासीन बिंदुओं का मिलना। तीसरा पॉइंट क्या है, उदासीन बिंदुओं का मिलना, उदासीन बिंदु का मिलना। अब ये उदासीन बिंदु कैसे मिल रहे हैं, अगर हमारा कोई चुंबक है तो उसका भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, उसकी भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसे ये चुंबक है हमारा, ठीक है, इसका एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब कुछ दूरी पर, यानी कहीं कहीं पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कैसी जगहों पर चुंबकीय प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी जगहों पर चुंबकीय प्रभाव नहीं पड़ता जहाँ पर, जैसे मान लो इसका इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव की वजह से कोई प्रभाव पड़ रहा है और जो पृथ्वी के अंदर चुंबक है उसका दक्षिण ध्रुव की वजह से चुंबकीय क्षेत्र
वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। देन उस पॉइंट पर हमें क्या मिल जाता, उदासीन बिंदु मिल जाते। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर हमें क्या होता, कहीं कहीं पर नल पॉइंट मिलते हैं, या कह सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, जहाँ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, यानी अगर पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, तो ये उदासीन बिंदु या कह सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट हमको कभी भी नहीं मिलते। क्लियर हुई? तो ये तीन चीज़ें क्लियर करती हैं कि हमारा जो अर्थ है यानी पृथ्वी है, ये पूरी तरीके से एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, क्लियर। अब आप लोग दो पॉइंटों के बारे में जानना और बहुत ज़रूरी है। पहला जो है चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं और चुंबकीय निरक्ष क्या है, ठीक है, इन दोनों के बारे में भी जानना। तो चुंबकीय अक्ष क्या है, चुंबकीय उत्तर ध्रुव और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। ये हमारा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबकीय दक्षिण ध्रुव, इसको मिलाने वाली जो ये रेखा है इसको कहेंगे चुंबकीय अक्ष। ठीक है, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय निरक्ष किसे कहते हैं, जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समांतर अर्थात कह सकते हैं क्षैतिज होती है, ठीक है, समांतर अथवा क्षैतिज होती है, उसको हम कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। और ये रेखा के लंबवत, ये जो रेखा है ये पृथ्वी के क्या बिल्कुल क्षैतिज है, यानी क्षैतिज उसको है, ठीक है, गोले को एक वृत्त में काट रहा है। जैसे यह क्या हमारा कोई गोला है, उसको क्षैतिज से ऐसे हम काट दे तो क्या मिलेगा हमको, एक सर्किल मिलेगा, सर्किल टाइप का, ठीक है भाई। अगर नहीं है तो मिट्टी का छोटा सा गोला बनाओ और उसको बीच से काट दो, ठीक है, फिर देखो जिस सतह पे काटोगे वहाँ पे हमें क्या दिखेगी, एक सर्किल दिखेगी, वृत्त दिखेगी, ठीक है, यानी एक वृत्त में काटता है। और इसी वृत्त को हम क्या कहते हैं, जिस वृत्त में काट रहा है इसी वृत्त को हम कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। यार रुकिए अभी हम दिखाते हैं आपको, या आप थोड़ा सा इमेजिन करो अभी आपको दिखने का। सपोज कर लो आप एक टमाटर ले लो, यानी गोल सा टमाटर ले लो और उसको क्या करो, बीच से कट कर दो, तो जो कटा हुआ भाग है उस पर आप अगर हाथ ऐसे फेरें तो कटा हुआ, सिर्फ कटे हुए भाग को देखें हम, बाकी पूरा भाग छोड़ दीजिए, सिर्फ कटे हुए भाग को अगर आप देखते हो तो पूरा कटा हुआ भाग हमको क्या है, एक वृत्त की तरीके से दिखेगा और वो पूरी एक सतह दिखेगी। तो वही जो हमारा कटा हुआ भाग है वही क्या होता है, चुंबकीय निरक्ष होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं भूचुंबकत्व के अवयव की, भूचुंबकत्व के अवयव, भू चुंबकत्व के अवयव, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला है वो है दिक्पात का कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, दिक्पात का। तो इसकी जो परिभाषा है दिक्पात का कोण की, पहला जो है दिक्पात का कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक लाइन की परिभाषा है, ध्यान से सुनिए आपको याद हो जाएगा। किसी स्थान पर चुंबकीय अंगुत्तर तथा भौगोलिक अंगुत्तर के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं दिक्पात का कोण, ठीक है। दिक्पात के कोण की डेफिनेशन क्या, किसी स्थान पर चुंबकीय अंगुत्तर और भौगोलिक अंगुत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। अब इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, चुंबकीय अंगुत्तर और भौगोलिक अंगुत्तर, तो अब इन दोनों चीज़ों को समझिए कि चुंबकीय अंगुत्तर क्या होता है और भौगोलिक अंगुत्तर क्या होता है। किसी स्थान पर अगर हम किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक बांध कर लटकाते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में बल स्थिर होते हैं उस डायरेक्शन में स्थिर होने के बाद उस चुंबक के उत्तरी ध्रुव और उस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं चुंबकीय अंगुत्तर, ठीक है। दूसरी चीज है चुंबकीय अंगुत्तर, अब भौगोलिक अंगुत्तर, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है वो हमारी भौगोलिक अंगुत्तर होती है। और ये जो है ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा उसके बिल्कुल ऊर्ध्वाधर गुजरती है, यानी ऊपर की ओर, ठीक है, तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें नमन कोण या नति कोण, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप, नमन कोण या नति कोण, नमन कोण या नति कोण, एंगल ऑफ डिप, ठीक है, एंगल ऑफ डिप। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी भी परिभाषा बहुत इजी है, इसको आप यहाँ फिगर में आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा फिगर है।
नति कोण की अगर परिभाषा देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन जो है यह है कि अगर किसी चुंबकीय सुई को, जैसे मान लीजिए ये हमारी चुंबकीय सुई है, ठीक है, किसी चुंबकीय सुई को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, इसको मान लो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, ठीक है, किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र यानी जी से अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, इसको इस तरीके से लटकाया गया है कि ये स्वतंत्र रूप से ऊर्ध्वाधर तल में ये आसानी से ऐसे क्या कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये क्षैतिज से क्या होता है, अगर ये क्षैतिज लिया जाए, क्षैतिज से क्या होता है, कुछ झुक जाता है, कुछ क्या होता है, झुक जाता है, ठीक है। तो इस अवस्था में चुंबकीय अक्ष, ये जो चुंबकीय सुई हमने लटकाया है, ये चुंबकीय अक्ष और क्षैतिज के बीच जो कोण बन रहा है, इसी को कहते हैं नमन कोण या नति कोण, ठीक है। यही आप इससे को थीटा से डिनोट करते हैं, इसी को बोलते हैं नमन कोण या नति कोण या एंगल ऑफ डिप, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज के बीच, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये क्षैतिज की दिशा है, ठीक है, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, भाई जो सुई लटकी है ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लटकी हुई है और ये क्षैतिज के बीच जो कोण बन रहा है उसी को हम कहते हैं नमन कोण या नति कोण। और चुंबकीय ध्रुवों पर, चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो है वो 90 अंश होता है और निरक्ष तथा क्षैतिज पर, ये ध्रुवों पर हो गया या कह सकते हो अक्ष पर, ठीक है, और निरक्ष तथा क्षैतिज पे इसका मान जो है वो 0 अंश होता है, कितना होता है, 0 अंश होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निरक्ष को छोड़कर जो पृथ्वी है उसका चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर भी क्षैतिज नहीं होता है, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है बीई, ठीक है, ई फॉर अर्थ, बी फॉर, बी को कैसे डिनोट करते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को हम हमेशा बी से ही डिनोट करते हैं, को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में अगर हम विभाजित करें, ये हमारा क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इसको अगर हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, तो क्षैतिज हमारा बी एच हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर हो जाएगा हमारा वी वी, इसको दो पार्टों में हमने क्या किया, तोड़ दिया या विभाजित कर दिया है और ये एंगल बन रहा हमारा थीटा, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो एन एस हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और इसको हमने दो घटकों में विभाजित किया है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है और ये ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज, ठीक है, लिख देते हैं क्षैतिज घटक और ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। ये हमारा भौगोलिक उत्तर है जो एल लिखे हुए हैं, सारी चीजें मैं इसी फिगर में क्लियर कर दे रहा हूं, भौगोलिक उत्तर है ये, और ये जो हमारा दिख रहा है ये भौगोलिक यामोत्तर होता है, भौगोलिक यामोत्तर क्या है, भौगोलिक यामोत्तर है, और ये जो ये है ये हमारा है चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। इससे पहले एक डेफिनेशन और बताई गई थी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी अल्फा कहते हैं, ये यही है भौगोलिक यामोत्तर जो कलर पार्ट है और चुंबकीय यामोत्तर जो ये पार्ट है, ठीक है, ये देखो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है अल्फा, यही हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको जो हिंदी में बोलते हैं दिक्पात का कोण, ठीक है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई, इसको दो पार्ट में तोड़ा गया, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये जो हमारा क्षैतिज घटक हो जाएगा, क्षैतिज घटक यानी बी एच जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ई कॉस थीटा, ठीक है, जिसके साथ कोण लगा हुआ होता वो हमारा कॉस थीटा में होता, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। और अगर ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो ऊर्ध्वाधर घटक हमारा हो जाएगा वी वी इजकल टू बी ई साइन थीटा, समीकरण नंबर 2, ठीक है।
अब अगर हम दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, समीकरण वन और समीकरण दो को बार करके जोड़ दिया जाए, बी एच स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? बी ई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी ई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर इसमें कॉमन, इसको कॉमन ले लो, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिए, अंदर आया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है हमारी वन, तो इधर मिला क्या बी ई स्क्वायर, या बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हमारा समीकरण है क्षैतिज घटक या पृथ्वी का। अगर हमें पृथ्वी के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटक पता हैं, पृथ्वी के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों हमको पता हैं, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हम आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। और अगर हमें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी बी ई पता हो और नमन कोण पता हो, क्या पता हो, नमन कोण, तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, अगर क्षैतिज पूछता है तो समीकरण नंबर एक से हम निकाल लेंगे थीटा की जगह पर वैल्यू रख देंगे जो नमन कोण का होगा वो, और बी हमको पता है तो बी एच हमारा निकल जाएगा। और अगर ऊर्ध्वाधर घटक पूछता है तो इक्वेशन नंबर दो में रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यही हमारे जो है पृथ्वी के क्षैतिज घटक हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो घटक हैं। क्लियर, अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल के वीडियो में।